खरगोन जिले के सनावत क्षेत्र के ग्राम मलगांव के एक किसान ने बैंक कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, जिससे हड़कंप मच गया। हम आपको बता दें कि 40 वर्षीय किसान अशोक पिता गजानन ने सुबह 11 बजे खेत में सल्फास की गोलियां खाई और अपने परिजन लखन लाल को जानकारी दी कि उसने सल्फास खा लिया है, जिसका PM सिविल अस्पताल में हुआ। इस दौरान मृतक के भाई लखन भाईड़िया ने बताया कि अशोक पर बैंक ऑफ इंडिया शाखा बांगरदा का कर्जा था, जिसका बैंक के अधिकारी बार बार नोटिस भेज रहे थे। इसी संबंध में अशोक ने अपने परिजन से 5 लाख रुपए उधार भी मांगे और सल्फास खा लिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आइडिया है, ग्राम मलगांव रहता हूँ, और जो ये मृतक है अशोक पिता गजानन बिजगावनिया, इसने जो सल्फास खा ली, पिछले 2 दिन से मुझे बोल रहा था कि भैया यार मेरे पे कर्जा है, तो मुझे कर्जा 5 लाख रुपए चुकाना है, इसलिए कहीं 5 लाख की व्यवस्था कुछ करवा दो। तो मैंने कहा कि मैं करता हूँ कुछ कोशिश, और मेरे एक दिन बाद बलीराम भाई सजगाया को भी बोला कि भाई मैं पैसे 5 लाख की व्यवस्था कर दो। तो इसलिए उसको हमने बोला कि ये कुछ गलत कदम मत उठाना, पर लेकिन उसको बैंक ऑफ इंडिया बांगरदा का कुछ कर्जा था, इसलिए वो पूरा कर्जा चुका नहीं पा रहा था, इस वजह से उसने गोली खा ली। गांव मलगांव में एक किसान अशोक गुजर द्वारा सल्फास खा के आत्महत्या की घटना प्रकाश में आई है। सनावत थाने मर्ग जांच किया जा रहा है, और अभी तक जो जांच में बात सामने आई है उसमें किसान द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से 3.5 लाख रुपये का ऋण लिया गया था। विगत 4 महीनों से किस्तें नहीं कटाई जा रही थी, इस संबंध में बैंक के द्वारा नोटिस भी दिया गया था। अभी तक ये तथ्य सामने आए, इसके संबंध में हम विस्तृत जाँच कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।